ग्रेट मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ द लेसन फोर्थ, द एनिमी रिटन बाय पेरलस बक। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी पुट हिम बैक इन द सी, सैडाव सैड आंसरिंग हिमसेल्फ। सैडाव ने स्वयं से जवाब देते हुए कहा, द बेस्ट थिंग, अच्छी बात यही है कि वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, कि हमें इसे दोबारा से समुद्र में वापिस फेंक देना चाहिए। नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट, ही स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स। अब दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट, और कुछ क्षण के लिए जो ब्लीडिंग थी उसकी वो रुक गई थी। ही स्टूड अप, वह खड़ा हुआ, एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स, और उसने अपने हाथों से मिट्टी को, डस्ट जो सैंड लगी हुई थी उसको हटाया। यस अनडाउटेडली दैट वुड बी बेस्ट, हाना सैडाव ने कहा, हाँ निसंदेह ये ठीक रहेगा। बट सी कंटिन्यू टू स्टे डाउन एट द मोशनलेस मैन, लेकिन फिर वो कंटिन्यू स्टे डाउन उसको घूर कर देखती रही मोशनलेस मैन, उस निर्जीव से प्राणी को, मतलब कि जो अमेरिकन सोल्जर था, इंजर्ड पर्सन था, उसको देखती रही। इफ़ वी शेल्टर्ड ए वाइट मैन इन अवर हाउस, वी शुड बी अरेस्टेड, एंड इफ वी टर्न्ड हिम ओवर एज ए प्रिजनर, ही वुड सर्टेनली डाई, सैडाव सेड। सैडाव ने कहा, इफ वी शेल्टर्ड ए वाइट मैन इन अवर हाउस, अगर हम इस वाइट मैन को अपने घर में शेल्टर आश्रय देंगे, वी शुड बी अरेस्टेड, हम पकड़ लिए जाएंगे, एंड इफ वी टर्न्ड हिम ओवर एज ए प्रिजनर, और इसको हम एक जैसे कि कैदी के रूप में इसको वापिस, अगर हम इसको टर्न और मतलब कि वापस सौंप देंगे, ही वुड सर्टेनली डाई, ये निश्चय ही मर जाएगा, सैडाव ने कहा ऐसा। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी, हाना सैडाव ने कहा, सबसे अच्छी बात ये है कि इसको वापस समुद्र में पुट अप, मतलब कि इसको वापस समुद्र में ही फेंक दिया जाए। हाना सैडाव ने कहा ऐसा। बट नाइदर ऑफ दैम मूव, लेकिन दोनों में से कोई नहीं हिला। देवर स्टेयरिंग विद ए क्यूरियस रिपल्सन अपॉन द इनर्ट फिगर, इनर्ट होता है मोशनलेस, जो निर्जीव सा प्राणी था अमेरिकन सोल्जर, इंजर्ड अमेरिकन सोल्जर, उसके ऊपर वो देवर स्टेयरिंग विद ए क्यूरियस रिपल्सन, बिल्कुल एक अजीब से रिपल्सन के साथ एक घूर कर उससे इनर्ट फिगर को देखते रहे। वट इज ही, हाना विस्पर्ड, हाना ने मतलब कि विस्पर्ड, खाना फूसी कर, मतलब कि आराम से कहा, वट इज ही, वह कौन है, देर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, सैडाव सेड। सैडाव ने कहा, यह कुछ ऐसा है जिससे ये अमेरिकन लगता है। ही टूक अप द बाटर्ड कैप, बाटर्ड होता है फटी हुई, टॉर्न, उसने उसकी बाटर्ड कैप को उतारा। यस हाँ, देयर, यहाँ, ऑलमोस्ट गॉन, ये मतलब कि बिल्कुल ही धुंधला हो चुका है, वाज द फेंट लेटरिंग, जो इस कैप पर है, जो बाटर्ड कैप है, इस पर जो लेटर लिखे हुए हैं वो कैसे हो गए हैं, फेंट, धुंधले हो गए हैं। ये सिल्ला लिखा हुआ है इस पर, ही सेड, उसने कहा, फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, ये एक अमेरिकन युद्ध पोत से है। ही स्पेल्ड इट आउट, उसने वो जो उस पर स्पेल, जो लेटर लिखे हुए थे उसको पढ़ा, उस पर लिखा हुआ था यूएस नेवी। द मैन वॉज ए प्रिजनर ऑफ वॉर, जो ये आदमी है ये युद्ध का बंदी है। ही हैज एस्केप्ड, हाना क्राइड सॉफ्टली, हाना सॉफ्टली क्राइड, चीखी, ही हैज एस्केप्ड, ये बच के जा चुके है, मतलब कि वहाँ से जहाँ युद्ध का स्थान था, बैटल जहाँ पर मतलब युद्ध छिड़ा हुआ था, वहाँ से ये बच के समुद्र के जरिए यह हमारे डोर स्टेप तक पहुँच गया है। एंड दैट्स वाई ही इज वाउंडेड, इसलिए ये घायल हो चुका है, बिल्कुल घायल है। इन द बैक सैडाव एग्रीड, सैडाव सहमत है इस बात से। दे हेजिटेटेड, वो हेजिटेट हुए, लुकिंग एट ही, एक दूसरे की तरफ देखते रहे। देन हाना सेड, फिर हाना ने कहा, विद रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन होता है दृढ़ निश्चय के साथ, फिर हाना ने कहा, कम आओ, आर वी एबल टू पुट हिम बैक इन टू द सी, क्या हम एबल हैं इसको वापस सी में रखने के लिए। इफ आई एम एबल, अगर मैं एबल हूँ, आर यू, क्या तुम हो, सैडाव, सैडाव ने कहा, सैडाव ने उससे, फिर दोनों के बीच कन्वर्सेशन होती। सैडाव कहता है कि इफ आई एम एबल, आर यू, क्या तुम हो, आना सैडाव ने कहा, नो, बट इफ यू कैन डू इट अलोन, लेकिन इफ, अगर यू कैन डू इट अलोन, अगर आप अकेले इसे कर सकते हो तो ऐसा करो कि इसको वापस पुट अप कर दो सी में। सैडाव हेजिटेटेड अगेन, दोबारा फिर हेजिटेट हुआ। द स्ट्रेंथ थिंग इज, जो स्ट्रेंथ थिंग थी यहाँ पे वो ये थी, ही सेड, उसने कहा, दैट की इफ द मैन वर होल, आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी, अगर ये मैन, ये जो इंजर्ड अमेरिकन पर्सन है, अगर ये वर होल पूरी तरह से ठीक होता, तो आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी, तो बगैर किसी कठिनाई के, विदाउट डिफिकल्टी के, मैं इसको पुलिस को टर्न ओवर कर देता, सौंप देता। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी। ही इज माई एनिमी, मेरा शत्रु है।
ऑल अमेरिकन आर माई एनिमीज, सारे अमेरिकन मेरे शत्रु हैं, एंड ही इज ओनली ए कॉमन फेलो, हर ये भी उनमें से केवल क्या है, कॉमन फेलो है। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज, तुम देखते हो इसका चेहरा कितना फुलिश, कितना मूर्ख जैसा है। बट सिंस ही इज वुंडेड, लेकिन क्योंकि ये घायल है इसलिए मैं इसकी केयर के लिए, मतलब कि जो है दोनों के बीच में डॉक्टर सेडा और हाना के बीच में कन्वर्सेशन चलती है, क्या कि ही इज ए वुंडेड। यू आल्सो कांट थ्रो हिम बैक टू द सी, हाना सेडा ने कहा यू आल्सो कैन कांट थ्रो हिम बैक, तुम इसे वापस समुद्र में नहीं फेंक सकते हो। देन देयर इज ओनली वन थिंग टू डू, अब केवल एक ही चीज़ है जो तुम कर सकते हो, वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस, हमें इसे मतलब कि हमें इसे अपने घर के अंदर ले जाना चाहिए। बट द सर्वेंट सेडाओ इनक्वायर, सेडाओ ने पूछताछ की, लेकिन सर्वेंट है यहाँ पर, वी मस्ट सिंपली टेल दैम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस, एज इंडीड वी मस्ट सेडाओ, वी मस्ट सिंपली टेल दैम, हम उन्हें बता देंगे केवल क्या कि वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस, हमारा इरादा इसे पुलिस को सौंपने का है। एज क्योंकि इंडीड वी मस्ट, और वास्तव में हम ऐसा करेंगे भी, करना भी चाहिए। सेडाओ ने ऐसा कहा, वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजिशन, वी मस्ट थिंक ऑफ, हमें अपने बच्चों के बारे में और तुम्हारी पोजिशन के बारे में सोचना पड़ेगा। इट वुड एंड डेंजर ऑल ऑफ अस, क्योंकि हम सब के लिए खतरा होगा, इफ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज ए प्रिजनर ऑफ वार, अगर हम इस व्यक्ति को मतलब कि पुलिस को नहीं सौंपेंगे, क्योंकि ये क्या है, प्रिजनर ऑफ वार है, युद्ध का बंदी है। सर्टेनली निश्चय ही सेडाओ एग्रीड, सेडाओ भी इस बात से एग्री हुआ, आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, और हम इसके अलावा और कुछ करने की नहीं सोच सकते सोच सकेंगे। द जैग्रीड, फिर दोनों इस बात पर सहमत हो गए कि जैसे ये ठीक होता है इसको हमें पुलिस को एंड ओवर कर देंगे। टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, दोनों ने मिलकर उस आदमी को उठाया। ही वॉज वेरी लाइट, वह बहुत हल्का था। लाइक ए फॉवल, फॉवल मीन्स एयर बर्ड, वो एक पक्षी की तरह था। दैट हैड बीन आ स्टार्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम अंटिल इट इज ओनली फीदर्स एंड स्केल्टन, और ऐसा लग रहा था दैट हैड बीन हाफ स्टार फॉर, जैसे कि लंबे समय से आधा भूखा रहा है, रह चुका है, इसलिए इट इज ओनली फीदर्स एंड स्केल्टन, इसके अंदर अब केवल क्या थे, इसके पंख और स्केल्टन, इसका ढांचा था, हड्डियों का सिर्फ ढांचा था। उस अमेरिकन इंजर्ड पर्सन को किससे कंपेयर किया है, फॉवल बर्ड से। सो हीज आर्म्स हैंगिंग, इसलिए उसके जो आर्म्स थी, बाजुएं थी, वो लटकी हुई थी। दे कैरीड हिम अप द स्टेप्स एंड इन टू द साइड डोर ऑफ द हाउस, वे उसे मतलब कि पैदल चलकर ही हाथों में उठाकर ले गए, एंड इन टू द साइड डोर ऑफ द हाउस, हाउस के साइड वाले डोर के अंदर। दिस डोर ओपन इन टू ए पासेज, वह डोर है जिसमें से वो उसको लेकर गए, वो बरामदे में से खुलता था, एंड डाउन द पैसेज, और उस रास्ते से जाते हुए दे कैरीड द मैन टूवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, और उस इंजर्ड पर्सन अमेरिकन को ले जाते हुए एक एम्प्टी बेडरूम में लेकर गए। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सेडाओज फादर, वह जो बेडरूम था वो सेडाओ के फादर का था। एंड सीन्स, और क्योंकि हिज डेथ, उसकी डेथ के बाद, इट हैड नॉट बीन यूज, उसकी डेथ के बाद उसे यूज नहीं किया गया था। दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर, और उन्होंने इस इंजर्ड पर्सन को, उस मैन को, उस रूम के अंदर मैटेड फ्लोर पर लिटा दिया। एवरीथिंग हेयर हैड बीन जैपनीज टू प्लीज द ओल्ड मैन, वहाँ पर प्रत्येक वो चीज़ थी जापानी, मतलब कि जापानी कल्चर की, जो उसे बूढ़े व्यक्ति को खुश कर सकती थी, मतलब कि सेडाओ के फादर में प्रत्येक वो चीज़ मौजूद थी वहाँ पर, जो कि मतलब कि उसके फादर को प्लीज, दैट मीन्स खुश कर सकती थी। हु वुड नेवर इन हिज ओन होम सिट ऑन अ चेयर और स्लीप इन ए फॉरेन बेड, जो कि जो उसका पिता है वो कभी भी अपने घर में किसी विदेशी चेयर या फॉरेन बेड पर नहीं सोया था, विदेशी चेयर पर नहीं कभी बैठा और ना ही कभी उसने विदेशी बेड पर सोया। हाना वेंट टू द वॉल कबोर्ड्स, हाना जो दीवार के अंदर कबोर्ड्स थी उसके अंदर, वहाँ उसके पास गई, एंड स्लिड बैक ए डोर, और दरवाजा खोलिया, एंड टुक आउट ए सॉफ्ट क्विल्ट, और उसमें से एक नरम सी रजाई निकाल ली। ही हेजिटेटेड, वो पहले हेजिटेट हुई। द क्विल्ट वाज कवर्ड विद ए फ्लावर्ड सिल्क एंड द लाइनिंग वाज प्योर वाइट सिल्क, जो रजाई थी वो बिल्कुल फूलों से बनी हुई सिल्क की कवर था उसका ऊपर से, और जो अंदर जो लाइनिंग थी वो प्योर वाइट सिल्क की थी। ही सो डर्टी सी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस, वो थोड़ी तनाव में बुड़बुड़ाई कि कितना गंदा है, भी सो डर्टी है, सारा रेत मिट्टी में दसा हुआ था, इसलिए कहती है। और जो रूम था उसका वो बहुत ज़्यादा साफ सुथरा मैटेड
जो महंगी मेटेड फ्लोर थी और उसमें जो रजाई थी वो भी फ्लावर सिल्क और प्योर वाइट सिल्क की थी, इसलिए वो कहती है ही इज सो डर्टी। यस ही हैड बेटर बी वॉश। सैडाओ एग्री, सैडाओ भी इस बात से एग्री हुआ। वो कह उसने कहा अच्छा होता अगर ये साफ होता तो। इफ यू विल फैच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम, अगर तुम्हें हॉट वाटर ले आओ मेरे लिए तो मैं इसे साफ कर दूंगा। आई कांट बियर फॉर यू टू टच हिम, आई कांट बियर मैं सहन नहीं कर सकती फॉर यू आपके लिए टू टच हिम क्या आप इसे छुओ। सी सैड उसने कहा, हाना ने कहा सैडाओ से कि मैं ये ऐसा सहन नहीं कर सकती कि आप इसको छुओ। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज हियर, हमें सर्वेंट्स को बताना होगा वे यहीं हैं। आई विल टेल यूमी नाउ, अब मैं अभी यूमी को बताऊंगी। सी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट्स, वो कुछ समय के लिए बच्चों को छोड़कर आ सकती है। एंड सी कैन वॉश हिम, और वो इसे साफ कर सकती है। सैडाओ कंसिडर्ड ए मोमेंट, कंसिडर्ड हियर मीन्स थिंक, सैडाओ ने कुछ क्षण के लिए सोचा लेट इट बी श्योर चलो ऐसा करते हैं। ही एग्रीड, वैसे सहमत हुआ। यू टेल यूमी, तुम यूमी को बताओ। एंड आई विल टेल द अदर्स, मैं दूसरों को बताता हूँ। बट द अटर पालर ऑफ द मैंस अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्स, लेकिन अटर पालर ऑफ द मैंस अनकॉन्शियस फेस, पहले तो मुझे है ना इस व्यक्ति का जो बेहोशी से बेहोश जो चेहरा है उस पर जो येलो पालर मीन्स येलो स्किन जो है अटर होता है इंटायरली पूरी तरह से जो उसके चेहरे की जो स्किन थी पीली पड़ी हुई थी। मूड हिम फर्स्ट टू स्टूप, चुप कर उसकी तरफ देखा पहले। एंड फील इज पल्स, उसकी नाड़ी को महसूस किया, पल्स को महसूस किया। इट वॉज फेंट, वो बिल्कुल मंदी मतलब कि धीमी पड़ गई थी। बट इट वॉज देयर, लेकिन वो थी वहाँ पर, मतलब कि उसकी नाड़ी में अभी भी सांस चल रहा था। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैंस कोल्ड ब्रेस्ट, फिर उसने अपना हाथ उस मैंस की कोल्ड ब्रेस्ट पर रखा। द हार्ट टू वॉज येट अलाइव, और उसके हार्ट में भी अभी जान थी। ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, सैडाओ सेड, सैडाओ ने कहा ही विल डाई, ये मर जाएगा। अनलेस ही इज ऑपरेटेड, अगर इसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो ये मर जाएगा। कॉन्सिडरिंग, ये मानते हुए कहा उसने, ये बात है सोचते हुए कि जल्दी ही, क्योंकि इसकी जो पल्स रेट है वो फेंट हो चुकी है और हार्ट में भी लाइफ तो है, अलाइव तो है, लेकिन जो उसकी पल्स रेट है वो फेंट है, धीमी पड़ गई है, इसलिए वो कहता है अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो ही विल डाई। द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे, अब प्रश्न ये है कि ही विल नॉट डाई एनीवे, अगर वो किसी तरह नहीं मरा तो क्या होगा। हाना क्राइड आउट इन फियर, वो भय से चिल्लाई हाना। डोंट ट्राई टू सेव हिम, इसे बचाने की कोशिश मत करो। व्हाट इफ ही शुड लाइव, क्या होगा अगर ये जीवित हो गया तो। व्हाट इफ ही शुड डाई, सैडाओ रिप्लाई, सैडाओ ने जवाब दिया क्या होगा अगर ये मर गया तो, अगर मर गया तो फिर क्या होगा। ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, ही स्टूड गेजिंग, गेजिंग होता टकटकी लगाकर देखना। वह फिर उसे मोशनलेस मैन इंजर्ड अमेरिकन जो पर्सन था उसकी तरफ घूर कर देखता रहा। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटैलिटी, वाइटैलिटी होता है एनर्जी, पावरफुल, इस आदमी के अंदर असाधारण पावर है, असाधारण एनर्जी है, नहीं तो ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, नहीं तो अब तक मर चुका होता। बट देन ही वॉज वेरी यंग, लेकिन तब यह जो व्यक्ति है वेरी यंग, बहुत यंग था। परहैप्स नॉट येट 25, शायद 25 का भी नहीं हुआ होगा। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, हाँ नास्टाना ने पूछा, तुम्हारा मतलब है कि ऑपरेशन से मर जाएगा। यस सेड आउ सेड, सेड ने कहा हाँ, मतलब कि इसका अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो मर जाएगा शायद। ये बात सेड आओ हाना को समझाना चाहता है। हाना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली, हाना ने संदेह के साथ सोचा। एंड वैन सी डिड नॉट आंसर, फिर उसने कोई जवाब नहीं दिया। सेड आउ टर्न्ड अवे, सेड आउ दूसरी तरफ मुड़ गया। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, किसी भी कीमत पर, मतलब कि जहाँ तक भी संभव हो सकता है, समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, इसके साथ कुछ करना चाहिए। ही सेड, उसने कहा। एंड फर्स्ट, और पहले जो करना चाहिए, ही मस्ट बी वॉश्ड, पहले इसको साफ करना चाहिए। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम, वह जल्दी रूम से बाहर गया। एंड हाना केम बिहाइंड हिम, और हाना भी उसके पीछे गई। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन, शी डिड नॉट विश, उसकी इच्छा नहीं थी टू बी लेफ्ट अलोन, कि उसको अकेला छोड़े विद द वाइट मैन के साथ। भी सैडाओ, डॉक्टर सैडाओ को अकेला उसे वाइट मैन के साथ छोड़ना नहीं चाहती थी। ही वॉज द फर्स्ट सी हैड सीन सिंस सी लेफ्ट अमेरिका, वह पहला व्यक्ति था सी हैड सीन, जो देख चुकी थी सिंस सी लेफ्ट अमेरिका, भी अमेरिका छोड़ने के बाद वह पहला था जिससे उन अमेरिकन से उनकी भेंट होती है। एंड नाउ ही सीम टू हैव नथिंग टू डू विद दोज हुम सी हैड नोन देयर, और अब ऐसा लगता था, नाउ ही सीम टू हैव नथिंग टू डू विद दोज, ऐसा प्रतीत होता था कि जो इंजर्ड पर्सन था
वो उन व्यक्ति जिनको हाना जानती थी उनसे उसका कोई भी मतलब कि उसके बारे उनसे कोई उनका उसका मेल नहीं था, मतलब उनसे वो उन्हें वो जानता नहीं था जिन्हें हाना जानती थी। हेयर ही वाज हर एनिमी, अब यहाँ वह उसका शत्रु था, मतलब कि अमेरिका से बिलोंग करती है हाना, लेकिन शादी के बाद जब वो डॉक्टर सैडाओ के साथ रहती थी तो उसके बाद उसका अमेरिका से लिंक छूट गया था, इसलिए वो ऐसा सोचती है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिकन से उसकी भेंट हुई, और क्योंकि अमेरिका और जापान का युद्ध चला हुआ था उस दौरान, तो इस तरह से उसके माइंड में ये बातें आती हैं। इसलिए क्या सोचती है, ही वाज हर एनिमी, वह उसका शत्रु है, ए मीन है लिविंग और डेड, बिल्कुल खतरा है लिविंग जीते हुए भी और डेड मरने के बाद भी, मतलब कि मृत है या जीवित है, दोनों ही तरह से वो उसका शत्रु है और इसलिए वो डेंजर है। सी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी, फिर वो जहाँ और बच्चों के साथ यूमी बैठी हुई थी वहाँ गई और कहा यूमी, बट द चिल्ड्रन हियर्ड हर वॉइस एंड सी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट एंड स्माइल एट देम एंड प्ले विद द बेबी बॉय नाउ नियरली 3 months ओल्ड। नर्सरी का मीन्स यहाँ पर है कि जहाँ बच्चे सैडाओ के बच्चे थे वहाँ यूमी उनकी केयर के लिए रखी हुई थी। बट द चिल्ड्रन हियर्ड हर वॉइस, लेकिन बच्चों ने उसकी आवाज़ सुनी अपनी मम्मी की आवाज़ सुनकर, बच्चे सी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट, वो कुछ क्षण के लिए अंदर गई रूम में एंड स्माइल एट देम, उनकी तरफ मुस्कुराई एंड प्ले विद द बेबी बॉय, और वो बेबी बॉय के साथ खेलते रहे बच्चे नाउ नियरली 3 months ओल्ड, क्योंकि जो छोटा बच्चा था वो बिल्कुल लगभग 3 months का ही था। ओवर द बेबीज सॉफ्ट ब्लैक हेयर सी मोशन विद हर माउथ यूमी कम विद मी, फिर वो छोटे जो बच्चा था 3 months वाला उस बच्चे के सॉफ्ट ब्लैक हेयर में उसने हाना ने बच्चे को मतलब चूमा मुँह से और यूमी को कहा कि कम विद मी मेरे साथ आओ, आई विल पुट द बेबी टू बेड। यूमी रिप्लाई, यूमी ने कहा कि मैं बच्चे को अभी बिस्तर पर लेटा कर आती हूँ, ही इज रेडी, मतलब कि ही इज रेडी का मतलब है कि जो बच्चा है वो बिल्कुल तैयार था सोने के लिए। सी वेंट विद यूमी इन टू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स वाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट्स ऑन द फ्लोर एंड लेड द बेबी बिटवीन देम। सी वेंट विद यूमी इन टू द बेडरूम, वह यूमी के साथ बेडरूम में गई नेक्स्ट टू द नर्सरी, जो कि नर्सरी से अगला ही रूम था, एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स, और बच्चे को अपने मतलब कि गोद में लेके खड़ी रही वाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट ऑन द फ्लोर, और यूमी ने जो सोते समय जो रजाई लेते थे वो फर्श पर फैलाई एंड लेड द बेबी बिटवीन देम, और बच्चे छोटे बच्चे को उस रजाई के अंदर उसने सुला दिया, मतलब कि रख दिया उसके अंदर ताकि बच्चा है जो इधर उधर ना गिरे। देन हाना लेड द वे क्विकली, फिर हाना ने जल्दी से वहाँ गई एंड सॉफ्टली टू द किचन, और किचन में जाकर आराम से कहा, द टू सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम, और दोनों सर्वेंट्स जो थे वो भयभीत थे एट व्हाट देयर मास्टर, जो कि किस बात से भयभीत थे, जो उसके मालिक ने मतलब कि डॉक्टर सैडाओ ने उन्हें बताया था, अभी भी डॉक्टर सैडाओ, क्योंकि डॉक्टर सैडाओ ने कहा था कि तुम यूमी को बताओ और मैं जो अदर सर्वेंट्स उनको बताता हूँ, तो जो टू सर्वेंट्स थे वो फ्राइटेंड थे इस बात से कि उनके मास्टर जो उसे उन्हें बता चुका था। द ओल्ड गार्डनर था उसमें, हु वाज आल्सो हाउस सर्वेंट, वो भी हाउस का सर्वेंट था, पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप्स, और जिसके अपर लिप्स पर कुछ हेयर्स उसने खींचे, मतलब कि अपनी मूंछों से कुछ बाल उखाड़े और तब ये बात उसने कही कि बड़े मतलब भयभीत थे वो, फ्राइटेंड थे इस बात से कि उन्होंने अमेरिकन सोल्जर को अपने घर पर रखा हुआ था। द मास्टर ओट नॉट टू हील द वुंड ऑफ दिस वाइट मैन ही सेड ब्लंटली टू हा, ब्लंटली होता बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर से, बिल्कुल सीधे मुंह उन्होंने हाना से कहा, क्या कहा, द मास्टर ओट नॉट टू हील द वुंड ऑफ दिस वाइट मैन, कि हमारे मालिक को इस वाइट मैन के घाव को नहीं बढ़ना चाहिए, इसका इलाज नहीं करना चाहिए, द वाइट मैन ओट टू डाई, इस वाइट मैन को मर जाना चाहिए, फर्स्ट ही वाज सूट, पहले तो इसको सूट किया गया था, देन द सी कॉट हिम, फिर सी ने इसे पकड़ लिया एंड वुंडेड हिम विद हर रॉक्स, और अपनी चट्टानों से इसे घायल कर दिया। इफ द मास्टर हील से, अगर मास्टर से घाव को भरता है, व्हाट द गन डिड, जो गन ने किया है, एंड व्हाट द सी डिड, जो सी ने किया है, दे विल टेक रिवेंज ऑन अस, वे दोनों हमारे जो मास्टर है सैडा उससे बदला लेंगे, क्योंकि जो हमारा क्या है एनिमी है, शत्रु है, इसलिए नौकरों ने ऐसा जवाब दिया कि हमारे मालिक को इसका इलाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सन जो सी और ए गन ने जो किया है वो इस चीज़ का उसे रिवेंज बदला ले सकते हैं। आई विल टेल हिम व्हाट यू से, हाना रिप्लाइड कॉर्टियसली, और हाना ने ये बात बड़ी विनम्रता से सुनकर कहा, हाँ जो आपने कहा है ना मैं वो बात है डॉक्टर सैडा को बताऊंगी, बट सी हर सेल्फ वाज आल्सो फ्राइटेड, लेकिन वो स्वयं भी भयभीत थी, ऑल्दो यद्यपि सी वाज नॉट सुपरस्टिशियस एज द ओल्ड मैन वाज,
लेकिन यद्यपि वो इतनी ज्यादा अंधविश्वासी नहीं थी जितना कि ओल्ड मैन था। ओल्ड मैन कौन? जो बूढ़ा गार्डनर था, जिसने ये बात बताई कि जो सी और ए गन ने जो किया इसलिए वो उससे बदला लेंगे। तो इस तरह की सुपरस्टिशियस हाना नहीं थी, लेकिन फिर भी वो फ्राइटेंड थी। कोडी टाइवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी, क्या ये ठीक होगा कि किसी एनिमी की हेल्प की जाए? नेवर्थलेस फिर भी सी टोल्ड यूमी टू फैच द हॉट वाटर एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द व्हाइट मैन वाज। फिर भी उसने यूमी को कहा फैच होता ब्रिंग लेकर आना, हॉट वाटर लेकर आओ एंड ब्रिंग इट टू द रूम, उस रूम में लेकर जाओ वहां पर जहां पर व्हाइट मैन था। सी वेंट अहेड, वह आगे चली एंड स्लिड बैक द पार्टीशंस, और उसने कर्टन को वापस पीछे किया। सैडाव वाज नॉट येट देयर, सैडाव वहां पर नहीं था। यूमी फॉलोइंग, यूमी उसके पीछे आ रही थी। पुट डाउन हर वुडन बकेट, उसने वहां पर वुडन बकेट को रखा। देन सी वेंट ओवर टू द व्हाइट मैन, फिर वह व्हाइट मैन के नज़दीक गई। वैन सी सा हिम हर थिक लिप्स फोल्डेड देम सेल्व इन टू स्टबोर्नेस, स्टबोर्नेस जिद, जिदपना, हट्टीपना। वैन सी सा हिम हर थिक लिप्स, जब उसने उसकी थिक लिप्स को देखा और थिक लिप्स उसने फोल्ड कर रखे थे अपने आप ही, ऐसा लग रहा जैसे कि वो जिद से जिद पड़ी हुई थी, मतलब कि करना नहीं चाहती थी उसको व्हाइट मैन को साफ। हाना को ऐसा प्रतीत हुआ कि यूमी, क्योंकि उसके फेशियल एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उस व्हाइट मैन को साफ नहीं करना चाहती थी। आई हैव नेवर वॉश्ड ए व्हाइट मैन सी सेड, उसने कहा मैंने कभी नहीं किसी व्हाइट मैन को साफ किया। एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी वन नाउ, और अब मैं इस इतने गंदे को तो बिल्कुल भी साफ नहीं करूंगी। हाना क्राइड एट हर सेवरली, और हाना उसकी तरफ एक कठोरता से थोड़ी चिल्लाई। यू विल डू व्हाट योर मास्टर कमांड्स यू, तुम्हें वो करना पड़ेगा जो आपका मास्टर को कमांड देगा। देर वॉज सो फायर से लुक ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन यूमीज राउंड डल फेस दैट हाना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड। देर वॉज सो फायर से लुक ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन यूमीज फेस राउंड डल फेस, और हाना ने यूमी के जो राउंड डल फेस था उस पर वो प्रतिरोध के निशान देखे। फायर से होता वायलेंटली, हिंसा के, मतलब इतनी ज़्यादा गुस्से में बोली वो कि मैंने कभी इसी व्हाइट मैन को साफ नहीं किया, जैसे कि उसका प्रतिरोध करी थी। और रेजिस्टेंस होता है किसी का प्रतिरोध करना। दैट हाना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड, और हाना ने बगैर किसी कारण के भय महसूस किया। आफ्टर ऑल इफ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वाज नॉट एज इट हैपेंड, अगर सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग, अगर सर्वेंट्स ने किसी चीज़ की रिपोर्ट दे दी तो दैट वाज नॉट एज इट हैपेंड, फिर मतलब कि जो हाना है इस बात से घबरा गई कि हो सकता है जो सर्वेंट्स हैं वो रिपोर्ट कर दें, तो दैट वाज नॉट, वो ऐसा नहीं होना चाहिए एज इट हैपेंड जो यहाँ पर घटित हुआ है। वेरी वेल सी सेड विद डिग्निटी, फिर उसने थोड़ा आराम से कहा चलो ठीक है, यू अंडरस्टूड, तुम समझ गए। वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंस सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर, फिर थोड़ी धीमी आवाज में सलीके से जो हाना थी वो बोली कि आप समझ गए होंगे, वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम, हम इसको केवल इसलिए लेकर आए हैं टू हिज सेंसेज, ताकि ये होश में आ जाए, सो दैट ताकि वी कैन टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर, फिर हम इसको एक एक कैदी के रूप में पुलिस को, मतलब आर्मी को सौंप देंगे कि ये ठीक हो जाएगा ना जब ये, क्योंकि इसकी जो पल्स रेट है बिल्कुल क्या थी, फेंट हो चुकी थी। तो उसने समझाने की कोशिश की यूमी को क्या कि वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम, हम केवल इसको इसलिए लेकर आए हैं ताकि ये सेंसेज आ जाए, इसकी इसको होश आ जाए, ये अब ये अनकॉन्शियस है ये कॉन्शियस हो जाए, और उसके बाद हम क्या करेंगे इसको टर्न ओवर कर देंगे एज ए प्रिजनर के रूप में। आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट यूमी सेड, यूमी ने कहा आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, अब मुझे इसके साथ कुछ नहीं करना, मतलब मुझे कुछ करना तो नहीं है अब, आई एम ए पुअर पर्सन एंड इट वॉज नॉट माई बिजनेस, मैं तो एक गरीब व्यक्ति हूँ और मेरा इससे कोई लेना देना, मेरा ये बिजनेस नहीं है भी, जैसे वो एक्सप्लेन कर रही है अपनी हाना, और वो ये कहना चाहती है यूमी कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं भी, आपने इसकी केयर करनी है, इसको हैंड ओवर करना पुलिस को, क्या करना क्या नहीं, इसलिए वो कहती है गुस्से में इट इज़ नॉट माई बिजनेस। देन प्लीज हाना सेड जेंटली, फिर हाना ने नरमाई से कहा रिटर्न टू योर ओन वर्क, चलो ठीक है बाबा अपने आप अपने काम पर वापस जाओ। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, और तुरंत ही यूमी रूम छोड़कर चली गई। बट दिस लेफ्ट हाना विद द वाइट मैन अलोन, और इसके जाने के बाद हाना थी वो भी उस व्हाइट मैन को अकेला छोड़कर चली गई। सी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे हैड नॉट हर एंगर एट यूमीज स्टबोर्नेस नाउ सस्टेन्ड हर। सी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे, वो इतनी ज़्यादा भयभीत होगी, स्टे हैड नॉट हर एंगर, कि वहाँ रुककर अपने गुस्से को जो यूमी पर नहीं निकाल पाई, यूमी की जिद पर, नाउ सस्टेन्ड हर, अब उस गुस्से को अपने अंदर ही पी गई।
स्टोपेड यूमी, सी मटर्ड फायरसली। अब गुस्से में अपने आप कहती है स्टोपेड, मतलब क्योंकि उसके कहने से उसने उसको व्हाइट मैन को साफ नहीं किया था, इसलिए बोलती है स्टोपेड यूमी, इज दिस एनीथिंग बट ए मैन। ये भी तो कोई मतलब कि कोई ऐसी बात नहीं है, इज दिस एनीथिंग बट ए मैन, ये भी एक आदमी ही है, कोई ऐसी बात नहीं है कि कुछ और है ये। एंड ए वुंडेड हेल्पलेस मैन, और ये घायल भी है और ऐसा ये भी है। इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपीरियरिटी सी बेंट इम्पल्सिवली एंड अनटाइड द नॉटेड रॉक्स दैट कैप्ट द वाइट मैन कवर्ड। इन द कन्विक्शन, और इस विश्वास से, कन्विक्शन था बिलीफ, इस विश्वास के साथ ऑफ हर ओन सुपीरियरिटी, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, सी बेंट इम्पल्सिवली, वो झुकी, झुकने की उसने प्रवृत्ति, मतलब कि जैसे कि झुकी हुई प्रतीत हुई। एंड अनटाइड द नॉटेड रॉक्स दैट कैप्ट द वाइट मैन कवर्ड, और फिर उस गांठ को उसने खोला जो कि कपड़े से उसको बांध रखा था, दैट कैप्ट द वाइट मैन कवर्ड, जिस पर कि वाइट मैन को कवर अप कर रखा था। व्हेन सी हैड हिज ब्रेस्ट बेयर सी डिप्ड द स्मॉल क्लीन टॉवल दैट यूमी हैड ब्रॉट इनटू द स्टीमिंग हॉट वाटर एंड वॉश्ड हिज फेस केयरफुली। व्हेन सी हैड हिज ब्रेस्ट बेयर, जब वह उसकी जो बिल्कुल जो ब्रेस्ट थी बेयर थी, मतलब कि उसके जो कपड़े थे उतार दिए थे, सी डिप द स्मॉल क्लीन टॉवल, उसने छोटे साफ टॉवल को डुबोया, दैट यूमी हैड ब्रॉट इनटू द स्टीमिंग हॉट वाटर, उस गर्म पानी में जो यूमी लेकर आई थी, एंड वॉश्ड हिज फेस केयरफुली, और उसके चेहरे को ध्यान से साफ किया। द मैन स्किन नाउ रफ विद एक्सपोजर, उस आदमी की जो स्किन थी बिल्कुल रफ हो गई थी, रफ विद एक्सपोजर, खुरदरी हो चुकी थी, क्योंकि वो बार बार चट्टानों से लग रही थी, समुद्र में वो बह कर आया था, ठीक है, तो उस कारण जो स्किन थी मेंस की वो रफ हो चुकी थी। वाज ऑफ ए फाइन टेक्सचर, उसकी जो सरफेस थी बिल्कुल रफ थी, एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड व्हेन ही वाज ए चाइल्ड, लेकिन ऐसा लगता था कि जब वो बच्चा रहा होगा तो उसकी जो स्किन होगी वो बहुत ही ज़्यादा ब्लॉन्ड होगी, ब्लॉन्ड मतलब था लाइट गोल्डन कलर की, लाइट गोल्डन ब्राउन, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सुनहरे रंग की होगी जब वो बच्चा होगा, लेकिन अब जो उसकी स्किन है वो रफ विद एक्सपोजर, खुरदरी हो चुकी है उसकी, मतलब कि समुंदर में चट्टानों से टकराने के कारण। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड द चैप्टर्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।